गाइस, तो मैं तुम्हें आज एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय चीजें दिखाना चाहता हूँ भाई। यहाँ एक मंदिर है जिसके अंदर एक तालाब है और उसके अंदर भाई मछली अपने आप उत्पन्न होती है, ठीक है। और भाई अगर उसको निकालने का कोशिश किया गया है किसी गांव के लोगों के थ्रू, तो भाई वो मेढक का रूप ले लेता है और मेढक बना है भाई ये लोगों ने देख। हे गाइस, तो मैं आया हूँ परी के पास और परी के हाल देखो भाई क्या है, दिखाता हूँ। ये देखो परी, छोटा शंकर जी बनी। कौन लगाया आपको कलर? मम्मी। देखो इसके मम्मा कलर लगा दिए, देखो कितनी गंदी लग रही है परी। है परी, आपको नहाना पड़ेगा, है ना? भाई मैं कैसा लग रहा हूँ बताना, बढ़िया से कुर्ता और पैजामा बहुत सालों बाद पहना है। आज मन कर रहा था क्योंकि होली का टाइम है भाई, कुर्ता पैजामा में अलग ही फील होता है, तो कुर्ता पैजामा पहन के निकला हूँ आज गाँव में थोड़ा घूमने के लिए। और ये देख सकते हो सूरज ढलते हुए, थोड़ी देर में ढल जाएगा और हम भी गाँव से निकलेंगे। तो गाइस हम लोग गांव में घूम रहे हैं अभी, शाम को टहलने के लिए निकले हैं। होली का टाइम है, सारा कुर्ता पहन के भाई बहुत सारा बात गांव में है। कैसा लग रहा बताइए, कैसा लग रहा गांव में? गांव है, गांव में आइस है, मस्ती है भाई। कुर्ता पहन के घूमने का अलग ही मजा है, मजा आ रहा है भाई गांव में। बहुत बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय चीजें दिखाना चाहता हूँ भाई। यहाँ एक मंदिर है जिसके अंदर एक तालाब है और उसके अंदर भाई मछली अपने आप उत्पन्न होती है, ठीक है। और भाई अगर उसको निकालने का कोशिश किया गया है किसी गांव के लोगों के थ्रू, तो भाई वो मेढक का रूप ले लेता है और मेढक बना है भाई ये लोगों ने देखा है। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बताते हैं और उन्होंने देखा है। तो भाई चलो मैं दिखाता हूँ क्या है मंदिर का सीन और क्या है अंदर में और मछली वगैरह सच में है क्या, और दिखाता हूँ मैं। वहाँ पे बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि भाई बहुत बड़ा हिस्ट्री है, बहुत साल पहले का रहस्य है। हाँ मतलब रहस्य कह सकते हैं इसको, 100 साल 200 साल पुराना है रहस्य। गाइस तो यही वो मंदिर है जहाँ की मैं बातें कर रहा था भाई। ये जो तुम तालाब देख रहे हो इसमें मछली है, ठीक है। तो इसमें कोई पालता नहीं है भाई मछली, ये भगवान का देन है इसमें, ठीक है। मतलब मानते हैं यहाँ के गांव वाले लोग बहुत सालों 100 साल से पहले, मतलब एक टाइप का ये रहस्य है। इसमें मछली बहुत सारे हैं, अभी मतलब वो अगर मैं फेंकता हूँ खाने वाला तो वो आएगा। तो जैसा कि तुम देख रहे हो भाई, ये मतलब छोटा सा एक नदी है और इसमें मतलब कौन मछली का नाम तो नहीं मुझे पता, लेकिन यहाँ पे मछली ऑटोमेटिक यहाँ पे नेचुरल तरीके से यहाँ पे आया है अपने आप। और गांव वाले इसे मानते हैं कि कुछ साल पहले, मतलब कुछ साल नहीं बहुत साल पहले, कुछ लोग ना मछली को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाई मछली निकलते ही वो मेढक का रूप ले लेता था। मतलब मुझे भी भाई विश्वास नहीं हुआ था कि कैसे ऐसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस पानी से अगर हम लोग मछली को निकालेंगे तो ये मेढक का रूप ले लेगा, ऐसा सब लोग बोलते हैं भाई। मुझे भी पहले विश्वास नहीं होता था, ठीक है। आ गया क्या? तो भाई मैं दिखाता हूँ कुछ यहाँ का सीन, ठीक है, कि मछली कैसे यहाँ पर आ रहा है। और बहुत मुश्किल से आता है यहाँ पर, हर बार नहीं आता है। सब लोगों को कुछ खाना पीना दोगे तो भाई दिखाता हूँ मैं तुम्हें कैसा है भाई। यहाँ पे ये माना जाता है कि अगर इस मछली को निकालने की कोशिश करोगे तो ये मेढक का रूप ले लेता है और ये मेढक बन जाता है। मुझे भी पहले विश्वास नहीं होता था। ये देखो बहुत बड़ा उड़ा है और यहाँ पे खाने का कुछ चीज फेंक रहे हैं तो ये आ रहा है यहाँ पे, देखो भाई। और यहाँ पे किसी को मतलब मछली को यहाँ डाला नहीं गया है, नेचुरल तरीके से यहाँ पे अपने आप मछली जन्म लिया है यहाँ पे। बहुत ही बड़ा है, करीब वेट में 3 से 4 किलो का मछली यहाँ पे एवरेज माना जाता है। भाई तो अभी हम लोग लाने जा रहे हैं मछली का खाना, जो खाना मतलब उसको देने से बाहर आता है। और मैं दिखाता हूँ इतना सारा अमाउंट में यहाँ पे मछली है, बहुत सारा भाई तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे, जितना बड़ा नदी है सारे में भरा हुआ है यहाँ पे। तो मैं अभी ये खरीद तो गाइज मैं अभी ये ले लिया हूँ जो भाई ये भी माना जाता है यहाँ पे कि मतलब तुम यहाँ पे उसको खाना दोगे खिलाओगे तो पुण्य का काम होता है, क्योंकि ये भगवान के मंदिर के अंदर है जो भी चीज़ है तो हम इसको मान सकते हैं। तो भाई खिलाने जा रहा हूँ मैं। दिखा, जूम करके दिखा, बहुत सारा।
अबे तो वो तो ना दूर ले जी मैं तो भाई ये सारे मछली नेचुरल हैं, यहाँ पे कोई डालता नहीं आके, और इसको कोई निकालने का कोशिश भी नहीं कर सकता है क्योंकि अशुभ माना जाता है और कुछ भी हो सकता है इंसान को। ये सब भगवान का देन है, सारे खा जाएंगे भाई, दो मिनट में यहाँ सारा भुंजा खत्म हो जाएगा। खा जाएगा सब, खा जाएगा वो। तो भाई जैसे कि तुमने देखा यहाँ पे सारा भुंजा दो मिनट में खत्म कर दिया। ये पूरा ब्लैक है, मतलब बहुत सारे कलर के यहाँ पे हैं भाई, ब्लैक है, ग्रे है, ब्राउन है, ये सबसे बड़ा लग रहा है यहाँ पे। देखो भाई साहब बहुत विशाल लग रहा है यार देखने में तो। भाई देख लो नेचुरल है यहाँ पे, सब लोग आते हैं देने के लिए, वो लोग अभी दे के जा रहे हैं तभी इतना बड़ा होता है, खाने को मिल ही जाता है इसको। ये है गांव का कुछ नजारा भाई, ये मंदिर गाइस, ये कितना विशाल बर्गर का पेड़ है जैसा कि तुम देख रहे हो भाई। गांव का अलग ही मजा है यार यहाँ पे, और ये जग होता है यहाँ पे मेला वगैरह बहुत, मतलब बहुत ही बड़ा अमाउंट में यहाँ पे लोग आते हैं, और बहुत ज्यादा दूर दूर तक, मतलब रोड तक मेला लगता है। और ये गांव काफी फेमस है भाई, इस गांव का नाम है कटौना जो कि बिहार में पड़ता है। और ये देख सकते हो भाई सूरज ढलते हुए, जैसे कि मैंने तुम्हें मंदिर के अंदर मछली का एक तालाब में जो दिखाया, बहुत सारे मछली है भाई, वो सच में यहाँ का माना जाता है कि यहाँ पे नेचुरल है, भगवान के द्वारा वहाँ पे उत्पन्न हुआ है अपने आप। भाई मैं भी पहले विश्वास नहीं करता था, और इसका एक और माना जाता है, मैंने तुम्हें पहले बताया कि इसको डायरेक्ट निकालते ही भाई मेढक का रूप ले लेता है, ये मेढक बन जाता है। ताकि पहले मुझे बहुत हंसी आ रही थी तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, तो भाई लेकिन एक बार मैं आया था यहाँ पे तो बहुत लोग, बुजुर्ग लोग यहाँ पे कहते हैं, तो विश्वास करना ही पड़ेगा इन सब चीज़ों में। तो लेकिन यहाँ के लोगों ने मतलब मछली को निकालने का कोशिश किया भाई, तुम्हें पता है कि गांव के लोग ऐसा, मतलब मना करो तब भी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो करने का कोशिश करता है। जबकि यहाँ के जो पंडित जी थे मंदिर के, और भी बहुत लोग बुजुर्ग लोग, उन्होंने बहुत मना किया कि मतलब कि इसको कोई छू नहीं सकता और कोई निकालना मत, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई, तुम समझ सकते हो मतलब भगवान का जो भी क्या है। तो भाई कुछ लोगों ने निकालने की कोशिश की, तो तुम समझ सकते हो, क्या ही बताऊँ, मतलब कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता है किन्हीं के साथ, हो ही जाता है भाई। तो ऐसा गलती जो भी करते हैं मतलब नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि जो भी है यार भगवान की चीज़ों पे तो विश्वास करना ही चाहिए, उनके लिए मतलब आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और ज़बरदस्ती वाली चीज़ भी नहीं है, ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहिए। गाइस तो आज का पूरा आउटफिट है सारा कुर्ते में आए हुए हैं गाँव में घूमने के लिए। वोट देने नहीं जा रहे आराम से।